हेलो दोस्तों, ये टेक्नो का KC3 मॉडल है जो कि i12 है, i12। इसमें क्या हो रहा था कि ये इसमें पावर की दिक्कत थी, जो कि पावर की ऑटोमेटिकली वर्क कर रही थी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको यही बताया है। और ये लाइन कट भी हो जाए तो भी हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। आपको एकदम जहाँ से ICC पॉइंट आता है वहाँ से लेकर पावर की तक सब कुछ समझा दिया गया है इस वीडियो में, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। खाली 4 मिनट का वीडियो है। और इसमें क्या हो गया था कि इसमें पावर की दिक्कत थी, और किसी भाई ने क्या किया, जो ये फिंगरप्रिंट के नीचे स्क्रू रहता है वो निकालना भूल गया, और PCB को जब उसने ज़ोर से निकाला तो ये PCB पूरी डैमेज होगी। और इस वजह से मेरे पास ये आया था, पर इसमें पावर की भी दिक्कत थी और उसे भी मैंने सॉल्व किया। देखिए यहाँ पे उसने पूरा ये डैमेज हो चुका था, इसे भी मैंने पूरा एकदम से रिपेयर करके दिया। इसमें बहुत सारी लाइन है, कम से कम 15 ट्रैक है जो कि अभी रिपेयर हो चुके हैं, मोबाइल ऑन भी हो चुका है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको पावर की का सोल्यूशन 100% मिल जाएगा। कोई भी फॉल्ट हो पावर की से रिलेटेड, सब इसमें मैंने आपको एकदम बारीकी से ड्राइंग करके समझाया है कि कहाँ से ट्रैक है और कहाँ पे आपको जंपर मारना है। तो आप देख लीजिएगा, ये मेरा फ़ोन का पावर की और पूरा मोबाइल ऑन हो चुका है। तो चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में थोड़ी बहुत नॉइस आ रही है जो कि बाहर की, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। ये देखिए मोबाइल ऑन हो चुका है पूरी तरीके से, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये देखिए, तो चलिए ये वीडियो हम चालू करते हैं मेन टॉपिक। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने जो जंपर किया है तो इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, ये ऑटो वर्क कर रहा था। तो ये देखिए, तो ऑटो वर्क क्यों कर रहा था, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक ये ट्रैक जाते हैं। तो आप ये जो मैंने जंपर मारा है, यहाँ पे 2 रजिस्टर थे जो कि मैंने निकाली हुई है, ये यहाँ पे एक था, और यहाँ से ट्रैक कहाँ तक जाती है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो मेरे इसमें ऑटो वर्क कर रहा था, आपके इसमें कोई अलग फॉल्ट हो सकता है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक जंप जॉइंट जाता है, यहाँ से सीधा इस पॉइंट तक। तो दिक्कत क्या थी कि इस लाइन में प्रॉब्लम आ चुका था, जो कि मोबाइल ऑटो वर्क कर रहा था, ऑटो ऑन ऑफ होता रहता था। तो मैंने ये जब रजिस्टर निकाला, जो कि ये यहाँ पर एक रजिस्टर था, तो ये मैंने निकाला तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और ये IC से करंट आता है, ये IC से एक ट्रैक आता है ये पॉइंट, वो ये निकाला तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पर जो कि हमारा मेन ट्रैक है, अब वो काम नहीं कर रहा था। ये देखिए ये वाला, तो इसका कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक कैसे गया है ये देख लीजिए। यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से ऐसे इस रजिस्टर, यहाँ पे एक रजिस्टर था जो कि मैंने निकाल दिया, तो ये 0 ओम का रजिस्टर होता है। और यहाँ से यहाँ पे एक जंपर मार दिया, क्योंकि ये जो अपनी ट्रैक होती है डैमेज थी, इसलिए ये नया रजिस्टर निकालना पड़ा। ये हमने अलग कर दिया लाइन, इस पर कोई अपग्रेडिंग नहीं आएगी। देखिए, ये 2 रजिस्टर निकालने हैं और यहाँ से यहाँ ट्रैक करना है अगर ऑन ऑफ हो रहा है। अगर आपके इसमें कोई अलग फॉल्ट है, जैसे कि आपका ट्रैक मिसिंग है या पावर की काम नहीं कर रही, पावर की कोई वोल्टेज नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे, आप कहाँ से जंपर मारेंगे। देखिए, यहाँ से सीधा यहाँ तक आपको जंपर दे देना है जब आपका ट्रैक मिसिंग हो। और मिसिंग नहीं और ऑटो वर्क कर रहा है, तो आप जो मैंने सेम किया है वैसा कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे ही नए नए वीडियो आते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।